जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों, बीएड में एडमिशन के लिए फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और स्टूडेंट के सामने जो है प्रतिदिन नई नई समस्याएं सामने निकल के आ रही है। जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉटमेंट किया गया था उन्हें कॉलेज पसंद नहीं था, तो वे सोच रहे थे कि हम फर्स्ट काउंसलिंग को छोड़ के सेकेंड काउंसलिंग में जा सकते हैं, लेकिन एलएमयू की नई चाल सामने निकल के आ गई है और बहुत बड़ी साजिश की है एलएमयू ने। अब उन स्टूडेंट को सेकेंड काउंसलिंग में मौका नहीं मिलने वाला है। जो कॉलेज आपको मिला है बस एडमिशन लेना होगा, नहीं तो फिर आप एडमिशन से वंचित रह जाएंगे। मैं सारी समस्या का समाधान आपको इस वीडियो में बताऊँगा और आपको प्रूफ भी दूंगा और आगे आपको क्या करना है इसकी भी जानकारी बताऊँगा। लेकिन मैं से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चाहे आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, फिर अगर आप लास्ट तक नहीं देखते हैं तो फिर आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो बन रहे मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वे लाइक बटन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आवश्यक निर्देश, यहाँ पे जब आपका रिजल्ट आया था जो आपको कॉलेज अलॉट किया गया था उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक निर्देश दिया हुआ था। अब यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे अगले वाले पॉइंट को आप देखिएगा। यहाँ पे बस प्रॉब्लम इसी पॉइंट को लेके हो रही है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सूचनीय हो कि यदि आप प्रथम चयन के आधार पर आवंटित महाविद्यालय, यानी कि आपने प्रथम चयन के आधार पर जो भी कॉलेज च्वाइस फिलिंग किया था, आपने 5 कॉलेज का विकल्प दिया हो या 10 कॉलेज का विकल्प दिया है, उसी के आधार पर कह रहा है कि आवंटित महाविद्यालय। आवंटित का मतलब क्या होता है? जो आपको अलॉट किया गया है, ठीक है ना, जो आपको अलॉट किया गया है। तो आपको कितने कॉलेज अलॉट किए गए हैं? आपको तो एक ही कॉलेज अलॉट किया गया है, ठीक है, इसका मतलब हुआ संस्थान में नामांकन नहीं लेते हैं, यानी कि जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आप अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो दूसरी बार के काउंसलिंग में, जब द्वितीय काउंसलिंग होगी 1 अक्टूबर से प्रोसेस शुरू होगी और 4 अक्टूबर को सेकेंड काउंसलिंग होगी, ठीक है, उसका लिस्ट आएगा, तो महाविद्यालय संस्थान के पूर्व आवंटन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपने जो फर्स्ट काउंसलिंग किया था और जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ था उस पर विचार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ देखिए पॉइंट ए है, लेकिन एलएनयू वाले कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन नहीं लेते हैं, जो आपको कॉलेज दिया गया है, अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका यह फर्स्ट काउंसलिंग ही समाप्त हो जाएगा और आपका सेकेंड काउंसलिंग भी समाप्त होगा। यानी कि आप ना तो फर्स्ट में अब रहेंगे ना ही सेकेंड में रहेंगे। हाँ, आपको मौका मिलेगा लेकिन स्पॉट में मिलेगा। बहुत हेलो, नमस्कार सर। सर बोल रहे कि एक प्रॉब्लम थी, जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग में जो मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है, हम चाहते हैं कि सेकंड काउंसलिंग के लिए नेक्स्ट कंसिडर करें, तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, कैसे होगा? नहीं होगा सर। क्यों? फर्स्ट काउंसलिंग में आपका अलॉट हो गया ना, जहाँ हो गया है वहाँ आप जाइए एडमिशन कराएं, नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा। सर एक चीज, एक सेकंड, एक और बात सोचिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूचनीय हो कि यदि आप प्रथम चयन के आधार पर आवंटित महाविद्यालय या संस्थान में नामांकन नहीं लेते हैं तो एक दूसरी बार के काउंसलिंग में महाविद्यालय या संस्थान के पूर्व आवंटन पर विचार नहीं होगा। यहाँ पे तो पूर्व दिया है तो सेकंड में कैसे? हाँ जी, जब आपको फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नाम नहीं आएगा तब आपको सेकंड काउंसलिंग में आपको मौका मिलेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब समझा सकते हैं आप? इसका मतलब तो वही है ना। क्या तो बताए हैं? फर्स्ट काउंसलिंग में आपका सिलेक्ट हो गया ना? नहीं, फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज पसंद नहीं, एक्चुअली दूर कॉलेज है ना। तो पसंद नहीं है, आप ही ने चूज किए थे? नहीं, हम चूज किए तो आप पहले नोटिफिकेशन में डाले होते तो हम लोग वैसा नहीं करते। तो यहाँ पे तो आप भी दिए है ना कि पूर्व आवंटन पर विचार नहीं किया जाएगा, जो अभी हमारा जो कॉलेज है वो नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरा तो मिल सकता है ना, अलॉट हो सकता है ना? नहीं, क्यों नहीं होगा? तो सर इस नोटिस का मतलब क्या है? आप खुद डाले हैं ना यहाँ पे? सही से पढ़िए, वो नोटिस में दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, फर्स्ट काउंसलिंग में आपका सीट अलॉट नहीं हुआ तो सेकंड काउंसलिंग में आपका पूर्व आवंटन पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि जो आपको मिला है पहले उस पर विचार नहीं किया जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। और आप जो, हाँ मान लीजिए कि अभी जो मुझे कॉलेज मिला है 2 नंबर का मिला है, तो हो सके वो नहीं मिले, मुझे 3रे नंबर का मिल जाए, 4थे नंबर का मिल जाए, मिले भी नहीं, 2 नंबर का मिला है, हाँ तो वो कैंसिल हो जाएगा मेरा? नहीं, वो कैंसिल नहीं होगा, वो रहेगा और आपको मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। हो सकता है स्पॉट राउंड में जहाँ आप जाते हैं वहाँ अगर सीट खाली रहेगा तो हो जाए, तो वो तो जाएंगे ही, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में भाग ले ही नहीं सकते हैं। नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है। आप जो नहीं है,
नहीं है, फिर आप किसी का मौका मिलेगा ना, वो आपको दूसरे मौका मिलेगा। नहीं, मान लीजिए अगर हम इतना नंबर लेके अभी अगर हमको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है तो हम तो सेकंड के लिए जाएंगे। पिछली बार भी एलएनयू का यही रूल था, पिछली बार भी हुआ था सेकंड में भी मौका मिला था, उसके बाद थर्ड में भी मौका मिला था, तब जाके लास्ट में स्पॉट में हुआ था, नहीं हुआ था तो ये चीज आप यहाँ पे ये चीज लिख लीजिए ना कि यहाँ पे नहीं होगा तो पूर्व को हटा के यहाँ पे लिख दीजिए कि दूसरी काउंसलिंग में नहीं मौका मिलेगा, यही तो होगा नहीं क्या। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देखिए ना, यहाँ पे गलत नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो आप इसके थ्रू ना चलिएगा। नोटिफिकेशन गलत नहीं दिया हुआ है, तो आप इस लाइन को एक बार पढ़िए ना थोड़ा सा। बात करते हैं, रुकिए, बात करते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं सेकंड काउंसलिंग में जाने के लिए, फर्स्ट कॉलेज मुझे पसंद नहीं है काउंसलिंग का, तो नहीं आप नहीं जा सकते, आप राउंड से बाहर हो जाएगा, स्पॉट काउंसलिंग में बैठ लीजिए। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन, इस लाइन को आप पढ़िए ना, यहाँ पे जो दिया हुआ है लाइन कि यदि आप प्रथम चयन के आधार पे आवंटित महाविद्यालय या संस्थान में नामांकन नहीं लेते हैं तो दूसरी बार के काउंसलिंग में महाविद्यालय या संस्थान के पूर्व आवंटन पर विचार नहीं करेगा, यानी कि जो पहले से मुझे कॉलेज अलॉट है उसके विचार नहीं होगा। लेकिन हम तो सेकंड के लिए जा सकते हैं, हो सके दूसरा कॉलेज मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं होगा सर। क्या आप कहाँ बोल रहे, बोलिए नोटिस हम बता रहे, साइट पे देख रहे हैं। नहीं नहीं, जो रिजल्ट आपने दिया है ना, जो पेमेंट करने के बाद उसके नीचे जो रिजल्ट के सबसे नीचे जो निर्देश है कि आपको सलाह दी जाती है काउंसलिंग संबंधित, उसी के लास्ट वाला पैराग्राफ में देखिए ना, वहाँ पे लिखा हुआ है कि सूचनीय हो कि यदि आप प्रथम चयन के आधार पर आवंटित महाविद्यालय या संस्थान में नामांकन नहीं लेते हैं तो दूसरी बार के काउंसलिंग में महाविद्यालय या संस्थान के पूर्व आवंटन पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि पहले से जो आपको दिया गया उस पर विचार नहीं होगा, पूर्व आवंटन पे विचार नहीं। उसका मतलब ये होगा आप जितना भी कॉलेज च्वाइस किए हैं उस पर कोई भी विचार नहीं किया जा सकता, कोई भी पूर्व आवंटन में कोई भी विचार नहीं, मुझे तो एक ही कॉलेज सिलेक्ट हुआ है ना, वो नहीं हुआ है सर, विचार उसका मतलब वही हुआ है, इंटरटेनमेंट नहीं किया जाएगा, अगर आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा तो सर इसमें तो पिछली बार भी था एलएनयू का ही था, तो पिछली बार ही मौका मिला, पिछली बार मौका इसीलिए था मतलब कुछ बच्चे लोग ऐसे होते हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं, सीट को रिजर्व रखते हैं, तो ऐसा थोड़े होता है, फिर नीचे वाले बच्चे को मौका मिलना चाहिए ना सर। इसमें तो रिजर्व का सिस्टम नहीं है, मान लीजिए हम कॉलेज छोड़ के जाते हैं तो मेरा कॉलेज कैंसिल हो जाएगा, उसमें दूसरा जाएगा, इसमें रिजर्व का इसमें मौका नहीं, दूसरा मौका तो मिलना चाहिए विद्यार्थी को, कि मान लीजिए कि हम इस कॉलेज को छोड़ते हैं, हमको जो मिला है छोड़ते हैं तो हमको अलाउड नहीं होगा, वो दूसरे को दिया जाए। सुनिए ना, इसीलिए ना तो सिर्फ बारह वो कॉलेज चूज करने के लिए मौका दिया गया, वही कॉलेज चूज करे जिसपे पिछला बार क्या था, मैक्सिमम कॉलेज था कि नहीं था। जी 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 जी, तो इस बार मैक्सिमम कॉलेज वही कॉलेज चूज करे जिसमें इच्छुक हो एडमिशन के लिए। ये नोटिफिकेशन अगर पहले होती वेबसाइट पे तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं है, मान लीजिए किसी का 50 किलोमीटर दूर है गर्ल्स के लिए, सबके लिए परेशानी है सर इस पे। आप स्पोर्ट काउंसलिंग में आपको मौका मिलेगा ना सर? सर मौका नहीं मिलेगा, स्पोर्ट काउंसलिंग में मौका मिलेगा, स्पोर्ट में मिलेगा, लेकिन सेकंड में स्पॉट में होता है पैसा का खेल हो जाता है, हर कॉलेज 15-20 रुपए एक्स्ट्रा लेता है, उसमें हम क्या आपके कॉलेज का दोस्त हैं? नहीं तो यहाँ पे आप जो कह रहे हैं कि पूर्व आवंटित में आप सभी कॉलेज को वहाँ पे जोड़ रहे हैं, पूर्व आवंटित का मतलब जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस पर विचार नहीं किया जाएगा, ये होना चाहिए, ये चीज होता है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन आप कह रहे हैं कि पूरे जो 12 कॉलेज सिलेक्ट किए थे आप उसको लेके कह रहे हैं कि उस पर विचार नहीं किया जाएगा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि पूर्व आवंटित का मतलब जो पहले आपको अलॉट किया गया है वो चीज होता है। एक मिनट यही लाइन बताइए। हाँ बोलिए सर, इसमें जो लिखा हुआ जो रिजल्ट आया है उसके नीचे देखिए कि सूचनीय हो कि यदि आप प्रथम चयन के आधार पे कौन सा रिजल्ट पर रिजल्ट में जो आपको अलॉट हुआ वहाँ पर जी जी ये अलॉट हुआ उसपे बोलिए उसमें लिखा हुआ है साफ साफ लिखा हुआ कि सूचनीय हो ठीक है सर कि यदि आप प्रथम चयन के आधार पर आवंटित महाविद्यालय संस्थान में नामांकन नहीं लेना चाहते हैं तो दूसरी बार के काउंसलिंग में महाविद्यालय या संस्थान के पूर्व आवंटन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो पूर्व आवंटन जो मुझे कॉलेज अभी अलॉट हुआ है उस पर विचार नहीं होगा, लेकिन हम सेकंड काउंसलिंग में जाना चाहते हैं। नहीं, पिछली बार आपने जो जो कॉलेज का नाम देते किसी पर विचार नहीं किया जाएगा सर, ये तो नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं, आवंटित का मतलब क्या होता है, जो मुझे आवंटित किया गया उसी पे ना होगा। नहीं नहीं, उसमें आपने जो जो कॉलेज चुना किसी भी विचार नहीं किया जाएगा। क्यों सर, ऐसा तो रूल अभी तक था ही नहीं, ऐसे आपने पहले बताया दूरी कॉलेज में बहुत ज्यादा दूरी है, कैसे होगा? तो दोस्तों आप लोगों ने रिकॉर्डिंग तो सुन ही लिया होगा और इसके बाद आपको पता चल गया होगा कि कितनी बड़ी साजिश हो रही है आप लोग के लिए। इनको सिर्फ अपने सीट की पड़ी है, इनको हर हाल में सीट को जो है फुल करना है, आपकी इनको कोई भी परवाह नहीं है। तो आप लोग सोच लीजिए कि आपको आगे क्या करना है, अगर स्टूडेंट ही एडमिशन न ले तो वो सीट का क्या करेंगे, सीट तो ऐसे ही खाली रह जाएगा।
ऑलरेडी आप देखेंगे तो यहाँ पे मात्र 73,000 रजिस्ट्रेशन हुआ है। और यहाँ पे ऐसे अगर हुआ जो बच्चे हैं उनको अगर मस्त कॉलेज नहीं मिला तो सीट तो ऐसे ही खाली रहेगा ना। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगर आपको बिल्कुल ही कॉलेज पसंद नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप स्पॉट में जाइए। हाँ, प्रॉब्लम तो है आप लोग के साथ, यहाँ पे बहुत बड़ी साजिश हुआ है। पहले बता दिया जाना चाहिए था यहाँ पे कि आप जो पहले कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप सोच समझ के पांच ही कॉलेज सिलेक्ट कीजिए जो आप एडमिशन ले सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपको सेकेंड काउंसलिंग का मौका नहीं मिलेगा। सबको पता था कि सेकेंड काउंसलिंग में बच्चों को मौका मिलेगा, हो सके आपका जो फर्स्ट कॉलेज में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था वह कॉलेज आपको नहीं मिले, लेकिन सेकेंड काउंसलिंग में आप जा सकते हैं, उसके बदले आपको दूसरा मिल जाए। आप यहाँ पे नोटिस भी देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पूर्व आवंटन का विचार। देखिए, आवंटन का मतलब मुझे तो जहाँ तक पता है कि अलॉटमेंट होता है। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अलॉटमेंट का मतलब यहाँ पे आवंटन ही होता है या दूसरा होता है। तो आवंटन कहने का मतलब जो कॉलेज आपको आवंटन किया गया है, यानी कि एक ही कॉलेज आपको ना यहाँ पे दिया गया है, 12 का 12 कॉलेज तो नहीं दिया गया है ना। और उनका कहना है कि आपने जितने भी कॉलेज सेलेक्ट किए हैं 12, तो उसमें से अब किसी में भी आपका एडमिशन नहीं होगा फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में। यानी कि समझ लीजिए, साफ साफ वो कहना चाहते हैं कि अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन नहीं लेते हैं जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, तो आपको सेकंड में भी नहीं मिलेगा और फर्स्ट में भी नहीं मिलेगा। अगर सीटें बचती है तो आप डायरेक्ट स्पॉट राउंड में जाके एडमिशन लेंगे, तो फर्स्ट और सेकेंड का आपका यहाँ पे माजरा जो है ख़त्म हो जाएगा अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं। तो आपको जो है ना मुसीबत में इन लोगों ने डाल दिया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि सेकेंड काउंसलिंग उन लोगों का होगा जिनको फर्स्ट में नहीं मिला है। जो स्टूडेंट को फर्स्ट कॉलेज नहीं मिला, फर्स्ट काउंसलिंग में कोई कॉलेज नहीं मिला है, उनके लिए सेकंड काउंसलिंग होगा और आपको सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट किया जाएगा। और बाकी जिनको फर्स्ट में हो गया है कॉलेज अलॉटमेंट, उनको नहीं होगा सेकंड में, ठीक है ना। तो इसलिए जो कॉलेज आपको मिला है तो आपके पास दो च्वाइस है, या तो आप उस कॉलेज को खुशी खुशी स्वीकार करके पेमेंट कर लीजिए, नहीं तो आप अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं तो राजभवन को ईमेल कीजिए। एलुमनी को ईमेल करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर राजभवन का आपको ईमेल चाहिए तो ईमेल तो आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, अगर वेबसाइट पर नहीं मिलता तो आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। तो राजभवन का जो है आप लोग ईमेल निकालिए और एकजुट होकर आप लोग कंप्लेन कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग के साथ जो है और भी स्टूडेंट जुड़ेंगे, जो जुड़ने वाले होंगे। अगर देखते हैं हम यहाँ पे कि बहुत लोग अगर जुड़ते हैं तो ही हम आगे आने की कोशिश करेंगे। होता है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी अभियान चला दें तो फिर आप लोग शामिल नहीं होते, तो प्रॉब्लम हमको ही होती है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को लगता है, जो सच्चाई थी मैंने आपके सामने रख दिया, बस मेरा काम था इतना ही। अब मेरा काम यह था कि आपको सेटिस्फाई करे किसी भी तरीके से। ऐसा नहीं कि कोई भी रिकॉर्डिंग लेके हम डाल दें और आधा अधूरा आपको जानकारी देके और आपके मन में और जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते। तो हम सुबह से कोशिश कर रहे थे और लास्ट में जाके हमारी बातें हुई है और आपने देखा भी कि हमने कितने सवाल किए हैं, कैसे सवाल किए हैं। आपको तो समझ आ ही रही होगी, बाकी जो है मुझे और चीज़ें बतानी नहीं है। तो सोच लीजिए आपको क्या करना है, अब आप खुद ही यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पेमेंट करना चाहिए या पेमेंट नहीं करना चाहिए। यही है, अगर इसके खिलाफ आप जा सकते हैं तो यहाँ पूर्व आवंटन है, एक आपके साथ यह पॉइंट आपके साथ रहेगा। तो आप इस पर देख लीजिए, यहाँ पर पूर्व आवंटन पर विचार, यानी कि जो कॉलेज अलॉटमेंट होता है वही। अब ऐसा तो नहीं कि जो 12 कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना चाहिए इनको कि पूर्व आवंटन की जगह पर लिखते कि पूर्व कॉलेज च्वाइस जो किए थे उसमें से आपको कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पे पूर्व कॉलेज च्वाइस लिख देना चाहिए, इससे क्लियर हो जाता है। ये लोग आपको अंधेरे में रखने का काम किए हैं और इनको सीटें जो है सिर्फ सीटें फुल करनी है और इनको पैसे से मतलब है। आपका एडमिशन कितनी भी दूर क्यों ना हो उससे इनको मतलब नहीं है, इनको जो है सीटें सिर्फ फुल करके देनी है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं और आगे भी मैं एक्सपोज करने वाला हूँ, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही है। तो आपका हक है, आप जैसे आप इसको देखना चाहते हो देख सकते हो। तो ध्यान रखना, अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो फिर आप फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में शामिल नहीं होंगे, आप डायरेक्ट जो है स्पॉट राउंड में जाओगे। कहाँ जाओगे? स्पॉट में। और कॉलेज वाले आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेंगे ही, 10,000-15,000 एक्स्ट्रा लेंगे, कहेंगे कि मेरे पास सीट फुल है, और आप कहेंगे कि सर कोई जुगाड़ लगा दीजिए, तो कहेगा कि जुगाड़ हो सकता है, एक ही सीट खाली है, दो ही सीट खाली है, इसलिए 10-15,000 दे दीजिए तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। बस यही होने वाली है। तो फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग उनके लिए ख़त्म हो गया जिनको कॉलेज मिल चुका है, और उनके लिए भी बाकी है सेकेंड काउंसलिंग। उनको कुछ नहीं करना होगा, जो उनको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला है उनको बस कुछ नहीं करना है, सेकेंड काउंसलिंग का इंतजार करना है। आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किया है अगर उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर है तो सेकेंड काउंसलिंग में आपको 4 अक्टूबर की आपको कॉलेज जो है अलॉट कर दिया जाएगा। आपको कंसीडर पर नेक्स्ट काउंसलिंग करने की आवश्यकता है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और जिनको फर्स्ट में अलॉट हो गया है तो आपके पास मजबूरी है, या तो आप पेमेंट करें या फिर डायरेक्ट स्पॉट के लिए जाएं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो इसमें कुछ सलाह नहीं दूंगा कि स्पॉट के लिए आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए स्पॉट में जाएंगे, आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा, तो कहिएगा कि सर आप ही बोले थे,
या फिर आप एक्सपोर्ट में जाएंगे तो एक्सपोर्ट में कहेगा कि सीट उसमें खाली नहीं है, तो फिर मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा, तो फिर आप मुझको दोष दीजिएगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते, जो सच्चाई थी आपके सामने मैंने रख दिया, अब आगे क्या करना है अब भली बातें समझते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी हम एनर्जी के साथ आप लोग के लिए काम कर पाए, और लाइक कीजिए, लाइक से कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।